तो आज के इस लेक्चर में हम एक वेबहुक यूआरएल क्रिएट करेंगे एंड उसको ऐड करेंगे स्ट्राइप में, और वेबहुक को फिर हम टेस्ट भी करेंगे। जस्ट हम नॉर्मल टेस्ट करेंगे, फिर आगे हम उसमें वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसा कि अभी आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ इवेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये बेसिकली कस्टमर्स डॉट सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड डिलेटेड पॉज रिज्यूम अपडेटेड एंड पेमेंट सक्सेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वेबहुक का मतलब समझा देता हूँ कि वेबहुक होती क्या है। देखिए क्या होता है, जो भी जैसे स्ट्राइप एक अपना अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें बेसिकली काफ़ी पेमेंट गेटवेज का बेसिकली हैंडलिंग होती है कि सब्सक्रिप्शन क्रिएट हुई है या डिलेट हुई है, मीन्स बहुत कुछ उसमें जो है बेसिकली होता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेबहुक को बेसिकली यूआरएल वो होता है कि हमारी एप्लीकेशन का यूआरएल होता है। जैसे अभी मैं सब्सक्रिप्शन नोड जेएस एपीआई में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेबहुक यूआरएल बनाएंगे जो कि हमारी एप्लीकेशन पर बना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसे वो यूआरएल दे देंगे स्ट्राइप को कि ये हमारा यूआरएल है। अब जब भी सब्सक्रिप्शन पर कुछ भी अपडेशन होता है, ये जो हम इवेंट्स ऐड कर देंगे उसके लिए कि ये यूआरएल है और ये इवेंट्स हैं, अगर इन इवेंट्स में बेसिकली कुछ भी अपडेशन होता है या कुछ भी बेसिकली छेड़खानी होती है, तो हमें इस यूआरएल पर क्या करो, अपना रेस्पॉन्स सेंड करो। मीन्स जो भी हमारा क्या हुआ है, जो भी कुछ अपडेशन हुआ है या कस्टमर डिलेट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर अपने स्ट्राइप को बताएंगे जब हम वेबहुक यूआरएल उसमें ऐड करेंगे। तो हम स्ट्राइप से बोलेंगे सिंपल ये कि ये हमारा यूआरएल है और ये कुछ इवेंट्स हैं, जिन इन इवेंट्स पर अगर कुछ भी अपडेशन होता है तो हमारे इस यूआरएल पर बेसिकली क्या करो, अपना रेस्पॉन्स या जो भी अपना डेटा है वो सेंड करो हमारे पास। तो अब हम कैसे करना है इसके साथ वर्किंग, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि अभी आपको पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर में लाइव कर दी थी अपनी एप्लीकेशन और लाइव पर ही हम टेस्ट करेंगे। तो ये मेरा फाइल जला से कनेक्टेड है अपना लाइव जो भी बेसिकली रेपोजिटरी है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को करना है क्या, सबसे पहले अब मैं आता हूँ अपने स्ट्राइप में। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है टॉप पर ही वेबहुक। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको डेवलपर्स के अंदर वेबहुक्स मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर मेरे पास तो कोई भी यूआरएल एडेड नहीं है स्ट्राइप के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड एन एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, मान के चलो आपके स्ट्राइप बेसिकली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेटेड है, तो आप वहाँ पर ऐड करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एंड पॉइंट यूआरएल डालना होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये नॉर्मल जो है आपको कोड बना देता है। अगर आपको नोड जेएस में चाहिए तो यहाँ से आप नोड जेएस सेलेक्ट कर सकते हो, तो वही कोड आपको दिखाएगा। इसने बोला हुआ है कि आप इस तरीके से बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे इसने जो राउट बनाया हुआ कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो कि आपका राउट रहना चाहिए वो पोस्ट रहना चाहिए। आप अपना वेबहुक या कुछ भी आप जो देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है वेबहुक की दो, पर हम वेबहुक की दे लेंगे। इन्होंने बोला हुआ है कि एक्सप्रेस डॉट रो एंड टाइप एप्लीकेशन जेसन यूज करें, ये तभी बेसिकली एक्सेप्ट करेगा। मीन्स जो भी हम गेट कर पाएंगे, जो भी प्रॉपर डेटा होगा वो इस तरीके से हमें बेसिकली इम्प्लीमेंट करना होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ राउट हमें क्या रखना है। यहाँ पर बेसिकली हमें पूरा एंड पॉइंट यूआरएल क्या देना होगा। तो अभी देखिए मेरा जो डोमेन है वो मेरा कुछ इस तरीके से रन होता है, बेसिकली sandeepdeveloper.com/sub/ मीन्स ये मेरा बेसिकली क्या है, यहाँ पर बेसिकली नोड जेएस एप्लीकेशन डली हुई है, प्रॉपर है। तो अब मैं क्या करूँगा, यूआरएल मैं ऐसा बना दूंगा लाइक वेबहुक करके, और ये हमारा बेसिकली जो है यूआरएल बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, अपने उसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो मैं जैसे यहाँ पर डाल भी देता हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पर डाल भी दिया है। तो ये बेसिकली हमें प्रॉपर यूआरएल बनाना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये राउट सेटअप करता हूँ, तब मैं यहाँ पर वर्किंग करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंट्रोलर्स में आता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं वेबहुक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक वेबहुक का न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ वेबहुक कंट्रोलर करके। अब आप चाहो तो एग्जिस्ट कंट्रोलर के अंदर भी वर्किंग कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पर जो है आप वेबहुक कंट्रोलर को व्यू एंड एडिट कर लो अपने किसी भी एडिटर में। तो मेरा यहाँ पर सबलाइम एडिटर ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी आपका वेबहुक कंट्रोलर तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक मेथड बनाऊंगा लाइक स्ट्राइप वेबहुक करके इज इक्वल टू असिंक, एंड अपना असिंक आ गया, एंड यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये फैट एरो मेथड बन गया हमारा नॉर्मल है। और यहाँ से हम इसको कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, और ये यहाँ से हम कर देंगे स्टाइप वेबहुक को। इसलिए मैंने मेथड बनाया है, ये मेथड वो होगा जब हमारा ये जो राउट है तब हिट होगा, तब ये हमारा मेथड कॉल होने वाला है। तो जस्ट मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और अब इसलिए अपडेट हो गई है फाइल। अब मैं चलता हूँ बैक,
और यहाँ पर देखिए मैं आऊंगा अपने सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर। अगर आपकी ऐप डॉट जेएस है या इंडेक्स डॉट जेएस है आप उसको ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो मैंने इस फाइल को किया वो ओपन। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप क्या करो एक्सप्रेस डॉट रो यूज करें। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक न्यू ऐप बना लेता हूँ, मीन्स ऐप वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है कमेंट बना लेता हूँ, लाइक फोर बैबुक स्टार्ट, और एक कमेंट बना लेता हूँ फोर बैबुक एंड। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल बनाया, लाइक मैंने कॉन्स, लाइक कुछ भी नहीं दे सकते, जैसे मैंने दिया स्टाइप ऐप इक्वल टू। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा एक्सप्रेस था, ये जो मेरा एक्सप्रेस वेरिएबल था, इसका मैं यूज करूंगा एक्सप्रेस डॉट राउटर। इसका यूज ना करें आप, ये जो है इसको यूज ना करें आप, डायरेक्ट ये यूज करें एक्सप्रेस डॉट राउटर, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी बैकअप कॉल भी नहीं होगी। मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बेसिकली कॉल हो पाएगी प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके। तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे स्ट्राइप ऐप डॉट यूज हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम रो डेटा को एक्सेप्ट करने वाले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्सप्रेस का यूज करते हैं, और एक्सप्रेस को बता देते हैं कि किसी भी टाइप का डेटा हो तो वो बेसिकली एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पर रो, एंड यहाँ पर जो है उसका क्या हो टाइप, कुछ भी हो लाइक टाइप कॉलन, और यहाँ पर मैं देता हूँ स्टार स्लैश स्टार, मीन्स कि कुछ भी हो आगे पीछे और स्लैश के आगे पीछे, तो जो भी है वो चलता रहेगा। एंड यहाँ पर जो है हमने यूज तो करा ही लिया है मिडल एज अ मिडलवेयर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो ऐप डॉट यूज है, ऐप डॉट यूज करेंगे अब हम यहाँ पर, ये जो ऐप वेरिएबल है इसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यूज करने वाला हूँ स्लैश सब स्लैश बैबुक। अब देखिए मैं यहाँ पर सब क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सब डायरेक्टरी के अंदर डला हुआ है। अगर यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये सब डायरेक्टरी के अंदर डला हुआ है मेरा, तो यहाँ पर इसलिए मैं सब लगा करके चल रहा हूँ, और मैंने नीचे भी सब लगा करके चला हुआ है, वरना मेरे को दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना स्टाइप ऐप वेरिएबल प्रोवाइड कर दूंगा कि इस पर बेसिकली क्या करो ये यूज करो स्टाइप ऐप। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है अपना कंट्रोलर भी जो है रिक्वायर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट बैकबुक कंट्रोलर, क्योंकि मेरे को उसका मैथड भी कॉल कराना होगा जब हमारी बैकबुक कॉल होगी। तो रिक्वायर करते हैं हम यहाँ से रिक्वायर डॉट स्लैश। अब देखिए मैं तो यहाँ से बाहर ही, मीन्स एसी राउट बेसिकली सर्वर डॉट जेएस में हूँ, तो जस्ट मेरे को यहाँ से ही बाहर जाना है। तो कंट्रोलर्स एंड कंट्रोलर्स में जा करके आई होप मीनिंग जो है प्रॉपर है कंट्रोलर्स, एंड यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। यहाँ से जस्ट इसका रीनेम करके कॉपी कर लेता हूँ पूरा नेम, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा वेबहुक कंट्रोलर। तो अब मेरे को क्या करना है, एक राउट बनाना है, जो कि राउट बनेगा हमारा स्ट्राइप ऐप पर, स्ट्राइप ऐप जो हमने वेरिएबल बनाया है, तो स्ट्राइप ऐप डॉट पोस्ट। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है साफ साफ कि आप क्या करेंगे पोस्ट राउट बनाएंगे, एंड अगर आप यहाँ पर जो एंड पॉइंट देना चाहते हो दे सकते हो, वरना मैं तो यहाँ पर देखिए सिंपल मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ स्लैश दे देता हूँ। अब देखिए मेरा जो है क्या है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया कि स्लैश वेबुक मेरा बेसिकली जो राउट बनने वाला है वो यही बनने वाला है स्लैश बैबुक, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है स्लैश बैबुक। तो यहाँ पर जो है बैबुक के स्लैश पर ही बेसिकली जो रूट राउट होगा उसी पर बेसिकली कॉल हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से इतना कोड, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने बोला हुआ है एक्सप्रेस डॉट रो टाइप एप्लीकेशन जेसन जो भी है उसका। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे बैबुक कंट्रोलर का मेथड कॉल करेंगे, एंड मेथड नेम इज स्ट्राइप बैबुक, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर डॉट स्ट्राइप बैबुक। तो जब भी हमारी बैबुक कॉल होगी स्ट्राइप से हिट होगी, तब क्या होगा हमारा ये यूआरएल चलेगा, और उसमें क्या होगा ये हमारा बैबुक कंट्रोलर का स्ट्राइप बैबुक कॉल होगा मेथड। अभी कैसे कॉल होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट मैं इस फाइल को कर देता हूँ सेव, और यहाँ से भी मैंने कर दिया सेव, और बेसिकली मेरे को एप्लीकेशन तो रिस्टार्ट करनी ही पड़ती है। यहाँ से एक बार मैं रिस्टार्ट भी कर देता हूँ, जैसे ही मेरी फाइल जो है सेव हो जाती है, तो यहाँ पर सेव हो चुकी है मेरी फाइल, एंड यहाँ से मैंने दोबारा रिस्टार्ट कर दिया है। अब देखिए मेरा जो राउट था वो मेरा बन चुका है यहाँ पर sandeepdeveloper.com/sub/bebook। अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो यहाँ पर मैं टेस्ट भी करा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेबुक कंट्रोलर में, यहाँ से मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट लाइक रेस्पॉन्स डॉट जो भी आपको समथिंग जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक रिटर्न, टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, जस्ट राउटिंग टेस्ट हो पा रही है नहीं, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेंड, और सेंड में मैंने लिख दिया लाइक यहाँ पर टेस्ट। इस तरीके से मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ मेरा जो राउट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं।
जिससे इससे ये होगा ये कि हमें पता चल जाता है ना कि बेसिकली राउट हमारा परफेक्ट बना हुआ है। तो मैंने जस्ट एंटर किया है, तो अभी यहाँ पर क्या बोलता है, स्लैश सब स्लैश वेबहुक नहीं वर्क करा। ओ सॉरी, मैंने जो है यहाँ पर गेट बना करके जस्ट मैं टेस्ट कर लेता हूँ, गेट से मैं टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि पोस्ट हिट नहीं हुआ ना डायरेक्ट ब्राउजर में। हालांकि मैं पोस्टमैन से कर सकता था, बट मेरे को पोस्टमैन ओपन करने में टाइम लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको अगेन टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरा गेट पर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, फिर मैं इसको पोस्ट पर चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका टेस्ट आ पा रहा है, मीन्स ये प्रॉपर वर्क है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, मीन्स हमारा राउट जो है परफेक्ट वर्किंग में है। जस्ट मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है और यहाँ पर जो है मैं अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन रीस्टार्ट कर दी है, तो हमारा ये जो राउट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमने यहाँ पर बता दिया। अब डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको सही लगता है, वरना यहाँ पर आप आए सिलेक्ट इवेंट्स करें। आप देखिए यहाँ पर इसमें काफी सारे आपको इवेंट्स मिल जाएंगे देखने को, कि आपको अकाउंट से रिलेटेड कुछ बेसिकली अपडेशन चाहिए स्ट्राइप से या बैलेंस से रिलेटेड। हमें तो भैया सब्सक्रिप्शन का काम है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो है हमारे कुछ ये इवेंट्स हैं जिनको आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जस्ट कॉपी मैं करता हूँ यहाँ पर और उनको मैं पेस्ट करता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मेरी स्क्रीन पर आ रहा है तो आप जैसे लिखोगे कस्टमर डॉट क्रिएटेड, ये ऑटोमेटिकली आपको सजेशन में देता रहेगा। तो मैं इसको फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैंने यहाँ पर जो है दूसरा सिलेक्ट किया और इसको मैंने दूसरे को डाला। अब यहाँ पर देखिएगा आपको राइट साइड में, यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, ये बेसिकली क्या करता जा रहा है, स्विच केस अपना लगाता जा रहा है। बट हमें इस तरीके से लगाना की जरूरत नहीं है, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट को हम जो है ऐड कर लेते हैं। तो मैंने पॉज का ऐड किया, अब मैं जो है रिज्यूम का ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने रिज्यूम का ऐड किया। अब देखिए मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि मैं क्यों ऐड करवा रहा हूँ, हालांकि हम नेक्स्ट फैक्टर्स में देख लेंगे प्रॉपर, मैं इन पर बेसिकली कोड करूंगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका लास्ट इवेंट, ये हमारा जो है लास्ट इवेंट हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ ऐड इवेंट्स पर, मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर हाँ ऐड इवेंट्स मैंने क्लिक कर दिया, एंड फिर मेरे को क्या क्या करना है, ऐड एंड पॉइंट पर मेरे को क्लिक कर देना है। तो आपके 1 2 3 4 5 6 आपके इवेंट्स ऐड हो चुके हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर इसका वेबहुक का यूआरएल ये आ चुका है, स्टेटस इसका इनेबल हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा एक साइनिंग सीक्रेट। अब ये सीक्रेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना सीक्रेट के आप जो है बेसिकली वर्क नहीं कर सकते हो, बेसिकली वर्क मींस कि आप जो है वेबहुक को कैच नहीं कर सकते हो अपने बैकएंड पर। तो देखिए अभी यहाँ पर अगर मैं थोड़ा अपडेट डिटेल्स में जाऊं, तो यहाँ पर देखिए मेरे को एक कोड था बेसिकली, चलो कोड तो चला गया वो राइट साइड में जो आ रहा था, बट मैं यहाँ पर जो है अपना एक बार मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से ऐड करता हूँ क्योंकि मेरे को वो कोड जो है कॉपी कर लेना चाहिए था। तो जस्ट मैं इसको दोबारा से डिलीट करके दोबारा ऐड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो ना कोड था वो मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कॉपी करना। तो यहाँ पर जो है हमारा ये यूआरएल था, ये यूआरएल, और इसको मैं डालूंगा यहाँ पर। इसमें मैं बताता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट था हमारे उसमें, यहाँ पर मैं जल्दी से ये ऐड कर लेता हूँ इवेंट्स। ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये हो गया, मैं यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ। तो 3 हो गए, चौथा, पांचवा, गलती से ऐड एंड पॉइंट हो गया, कोड पहली कॉपी कर लेना था, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं ऐड इवेंट्स पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं कोड किसकी बात कर रहा था, मैं क्या करता हूँ इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, मैं जस्ट यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ, थोड़ा बेसिकली लगेगा नहीं अंडरस्टैंडेबल, तो JS फॉर्मेट में करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा मतलब देखने में थोड़ा वो लगे, थोड़ा बेटर। तो जे जावास्क्रिप्ट, ये रहा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जो है बात कर रहा था, मेरे को क्या कॉपी करने की जरूरत है, जैसे यहाँ पर ये कुछ कोड इसने प्रोवाइड किया था, ये मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। इसको मेरे को क्या करना है, अपने वेबहुक कंट्रोलर में आ जाना है, यहाँ पर मैं जो है अपना ये कोड जो है ऐड करूंगा। तो देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले ये जो उसने कोड दिया हुआ था जस्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो थोड़ा इसको
फॉर्मेट कर लेता हूँ, हालांकि इसमें मेरे को फॉर्मेट का पता नहीं है, तो चलो अभी फिलहाल में मैं ऐसे ही कर लेता हूँ और इस तरीके से ही कर लेता हूँ इस तरीके से। चल यार चलो जो है सो है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, तो थोड़ा यार मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब देखिए यहाँ पर मैं यार मैं करता हूँ इसको सही, पहले मेरे को इसका कमांड नहीं पता सॉर्ट, वरना मैं कर लेता इसको। मेरे को एक और करना पड़ेगा, एक और एक और एक और एक और एक और। उसमें तो ये था विजुअल स्टूडियो में तो शिफ्ट अल्ट प्लस एफ से हो जाता था, बट यहाँ पर अभी मैंने कर लिया इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ऐड, क्योंकि मैंने कोड तो कॉपी कर लिया, मैं ऐड इवेंट एंड एंड पॉइंट पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसने बोला हुआ है साइनिंग सीक्रेट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपके जो भी इवेंट्स स्टाइप भेजेगा, जो भी डेटा भेजेगा आपके राउट पर, वो कैच नहीं हो पाएंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूँ वीडियो को पॉज। अब देखिए उससे पहले मैं बता देता हूँ मैं क्यों वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जो है अपनी ENV फाइल के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पर ये जो ENV फाइल है इसमें मेरी सीक्रेट की वगैरह डली हुई है, इसलिए मैं अभी ओपन करके नहीं दिखा सकता हूँ। मैं ओपन करूंगा बट यहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्या करूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना है क्लिक रिवील पर। अब देखिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, रिवील पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक WHSEC_ करके एक कोड मिलेगा, मीन्स वो सीक्रेट कोड होगा, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और उसको डालना है आपको ENV फाइल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, ENV फाइल को ओपन करके देन वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है कीज हटा दी है अभी फिलहाल में, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता था। अभी यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया एंड पॉइंट सीक्रेट, या आप ऐसा भी रख सकते हो बैब हुक सीक्रेट की, मैंने यहाँ पर रख लिया एंड पॉइंट सीक्रेट अंडरस्कोर की। अब यहाँ पर जो आपने ये कॉपी किया था रिविल की, जो आपने रिविल की जैसे ही आपने इस पर क्लिक करके कॉपी किया होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब देखिए मैं यहाँ पर डाल करके ENV फाइल को सेव करके क्लोज करने वाला हूँ, देन मैं वीडियो को अगेन रिज्यूम करूंगा। तो देखिए मैंने जो है ENV फाइल को कर दिया क्लोज, जिसकी मैंने की को यहाँ पर करके रख लिया कॉपी। अब देखिए मैं इस की को कर लेता हूँ यहाँ से कट, क्योंकि अब मेरे को जाना है बैबू कंट्रोलर के अंदर। अब देखिए मैंने जो कोड कॉपी किया था, देखिए हमारा बेसिकली स्टाइप अभी हमने बेसिकली यहाँ पर रिक्वायर नहीं किया है, तो हमारी ये गलती है, हमें इस स्टाइप को तो रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट कंट्रोल ऐड करता हूँ, की मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, एंड जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है ये स्टेप्स फॉलो करने, तो स्टेप तो हमें ऑब्वियसली बात है यहाँ पर करना ही था। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या की रखी थी, वो मेरे को मिलेगी अपने बेसिकली हेल्पर में, मैंने बेसिकली प्रोवाइड की थी, तो मैं जस्ट हेल्पर में जाकर के क्या करता हूँ, वो प्रोसेस डॉट ENV में जो नेम था बेसिकली मेरे को ध्यान नहीं अभी निकल गया। तो देखिए मैं जस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ, पूरी लाइन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर दी मैंने डायरेक्ट। अब मैं सब्सक्रिप्शन हेल्पर को कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट एक लाइन हमारा ऐड हो चुका है, मींस पैकेज रिक्वायर हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ना ये करने की जरूरत है, ये तो बेसिकली एक बेसिकली टेस्टिंग होता है, ये आपको कोई इसकी वो जरूरत नहीं है, तो जस्ट हम इसको हटा दे रहे हैं जी, ये भी हमारा काम खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने बोला हो कि एंड पॉइंट सीक्रेट यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा की है एंड पॉइंट सीक्रेट की, वो तो ये है, तो जो कि हमें मिलेगा प्रोसेस डॉट ENV से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट एंड पॉइंट अंडरस्कोर, बेसिकली मैंने सेम नेम रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हो, एंड फिर मैंने यूज किया प्रोसेस डॉट ENV डॉट अपना की नेम जो कि ENV के अंदर डाला होगा। तो ये हमारा एंड पॉइंट सीक्रेट की जो भी यहाँ पर हमने डाल दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके साथ जो है अपना रिप्लेस कर देंगे। अब ये SIG आपको इस टाइप सिग्नेचर मिल ही जाएगा हेडर्स के अंदर, रिक्वेस्ट आउट बॉडी, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपका ये प्रॉपर वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कुछ बेसिकली एरर वगैरह आएगी तो यहाँ पर देखिए ये रिटर्न करेगा, बट यहाँ पर हम रेस्पॉन्स वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं RES, तो हम यहाँ पर लिखेंगे RES। यहाँ पर क्या करें, आप जस्ट इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं रिटर्न RES.status 400, जो भी इसकी एरर होगी वो चली जाएगी प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पर हम एक और ट्राई कैच बना लेते हैं, जिसमें हम जो है अपना वर्किंग करेंगे आगे के इवेंट्स हैंडल करने के लिए। तो जस्ट मैंने ट्राई बनाया और यहाँ पर जो है मैंने कैच तो बना लिया है, बट कैच में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिख देता हूँ
कुछ अगर एरर आती है तो लाइक चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, और यहाँ से जो है, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर, और यहाँ पर जो एरर मैसेज होगा वो चला जाएगा नॉर्मल। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है बाय द वे, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, मीन्स कि अगर सब सक्सेसफुली अगर कोड चलता है तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं लिख देता हूँ वर्किंग फाइन बैबुक। तो ये मैंने जस्ट यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड कर दिया। अब ये जो रेस्पॉन्स है वो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, अभी देखेंगे कि यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ से रिटर्न हो रहा है। अगर कुछ एरर होगी तो हमारे बैबुक एरर करके जाएगा या एरर करके मैसेज जाएगा, वरना हमारा अगर सक्सेसफुली रन हो जाती तो यहाँ से जाएगा वर्किंग फाइन बैबुक। तो ये इसलिए आपको सेटअप कर लेना है जैसे कि मैंने अभी तक करा, एंड यहाँ पर जो है आपने नॉर्मली एक्सपोर्ट कर ही लिया होगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। अब मैं इसको जस्ट चेक करने वाला हूँ, चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कर देता हूँ सभी फाइल्स को सेव, ENV को मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, इसको भी मैंने सेव कर दिया और इसको भी मैंने सेव कर दिया, तो इनको मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेव। तो अभी जो है सेव हो गई हैं, मैं यहाँ पर जो अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर जो है मैं एक और बार रीस्टार्ट कर देता हूँ जस्ट चेकिंग करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मेरे को क्या करना है, चेक कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आइए सब्सक्रिप्शंस के अंदर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखो जैसे आपका सब्सक्रिप्शन रिलेटेड हो गया है, पॉज हो गया है, अपडेटेड हो गया, अब जैसे मान के चलो यहाँ पर कुछ आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई देंगी, उसको मैं कैंसिल करता हूँ, मीन्स कि हमारा जो है क्या कॉल होगा लाइक अपडेटेड या अपडेटेड कॉल होगा अभी आपको दिखाई देने को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर जो है कुछ भी आपको इवेंट्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, वेटिंग फॉर इवेंट सारा लिखा हुआ है। अब जैसे मान के चलो ये जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिव है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से कैंसिल सब्सक्रिप्शन, तो देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट कैंसिल सब्सक्रिप्शन कर रहा हूँ इस टाइप से। तो ये क्या करेगा, एक इवेंट अकर करेगा और वो हमारे बेसिकली उस पर भेज देगा क्योंकि हमने वहां पर इवेंट ऐड किया हुआ। जैसे मैंने इमीडिएटली का किया, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कैंसिल हुई। अब देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली इवेंट्स गए यानी, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर तो हम बेसिकली लॉग नहीं चला पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बैबुक की ये प्रॉपर कॉल हुई या नहीं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने भेजा हुआ है वर्किंग फाइन बैबुक। अगर चेक करना है तो देखिए यहाँ पर आप रिफ्रेश करें तो अभी आपको पता चल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर जो है अभी मैं बताता हूँ कि कैसे तरीके से कर पाएंगे हम टेस्ट प्रॉपरली, हम बताएंगे कि किस तरीके से हो पाएगा टेस्ट। अच्छा भाई देखिए जब तक ये चल रहा है जब तक मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा आपको जो है कोड यहाँ पर जो है और भी करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आपका मान के चलिए आपका जो है प्रॉपर तरीके से ऊपर कुछ एरर नहीं आई, जब हम ट्राई के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि हमें इवेंट्स के ऊपर वर्किंग करना होगा। जैसे ये हम इसने बोला हुआ है इवेंट डॉट टाइप लो केस बनाओ ये बनाओ, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर जो है ये जो इवेंट आ रहा है, जैसे ये इवेंट है जस्ट इसके अंदर से हम क्या करेंगे अपना टाइप निकाल सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से कॉन्स्ट, और यहाँ से मैं क्या करूंगा जो भी इसके अंदर डेटा होगा डेटा निकाल लेंगे एंड टाइप निकाल लेंगे, सॉरी टाइप कहाँ से इवेंट से, और सॉरी तो ये जो इवेंट वेरिएबल है यहाँ से मैंने सेम देख सकते हो, यहाँ पर ये इवेंट वेरिएबल था फिर इसके अंदर इवेंट आया, और इवेंट में जो कुछ भी होगा तो डेटा होगा एक टाइप होगा आपका डेटा और टाइप। तो देखिए यहाँ पर इसने बोला हुआ है इवेंट डॉट डेटा डॉट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर डेटा मैंने निकाल लिया और टाइप भी मैंने निकाल लिया दोनों यहाँ पर इस तरीके से, तो इस तरीके से ये बेसिकली वर्क करेगा। मैं जस्ट इसको भी सेव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था टेस्ट करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर इसने बोला हुआ है कस्टमर डॉट सब्सक्रिप्शन डॉट रिलेटेड, देखिए यहाँ पर ये हिट हुआ है ये भी हिट हुआ है, बट यहाँ पर देख सकते हो कि अभी आपको इस पर जैसे ही आप क्लिक करें तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर इसने बोला हुआ है कुछ प्रॉब्लम दी हुई है द सर्वर इज टेम्परली बिजी ट्राई अगेन लेटर, तो ये इसने बोला हुआ है, तो एक बार हम क्या करते हैं दोबारा से सर्वर को करते हैं रीस्टार्ट, दोबारा से मैं चेक करना चाहूंगा कि ये वर्क करा या नहीं, मैं रीसेंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर एरर्स देखने को मिल जाती हैं कि आपके सर्वर ने क्या रेस्पॉन्स यहाँ से सेंड किया है, मीन्स बैकएंड ने क्या सेंड किया है, तो वो देखने को मिल जाती है प्रॉपर एरर्स। तो अभी देखते हैं कि अगर सेम एरर है तो फिर हमें कहीं कोड में चेंजमेंट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा टाइम लगता है वेब चेक करने में, वर्क होनी चाहिए प्रॉपरली। तो यहाँ पर इसने भी बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है यार, सर्वर इज टेम्परली बिजी,
सर्विस अनअवेलेबल, ऐसा क्यों बोला इसने? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई कोड में, चेक करते हैं। ओ हाँ, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हो REQ था, यहाँ पर था रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर ये भी हमें इसलिए गड़बड़ कर दी। तो एक बार मैं सभी चेक कर लेता हूँ यार, कहीं और मिस्टेक, देखो यहाँ पर भी मिस्टेक है, तो REQ डॉट बॉडी करना पड़ेगा यहाँ पर। सेम थिंग मेरे को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स का कहीं और तो नहीं है, चलो नहीं है, और रिक्वेस्ट का और कहीं तो नहीं है, नहीं है। तो अब मैं इसको करता हूँ अगेन सेव। देखिए ये एरर्स हमें पता चल पा रही ना कि कुछ एरर्स हैं, इसलिए इस टाइप में ही पता चल गई हमें कि कुछ एरर्स आ रही हैं। यानी मैं दोबारा से सेव कर लेता हूँ एक बार, मेरे को ट्रस्ट नहीं होता इसलिए। सेव किया मैंने और सेव हो गया है। रिस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को, अगेन रिस्टार्ट कर देता हूँ फिलहाल। और मैं क्या करता हूँ अभी जो है, अगेन क्या करता हूँ, इसको रीसेंड करता हूँ। रीसेंड किया मैंने। अब आपको पता है कस्टमर डॉट सब्सक्रिप्शन डॉट रिलेटेड हमने इवेंट ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ से ये हिट हो रहा है। अब देखिए इसने रीसेंड कर दिया है। अब देखते हैं कि मैं यहाँ पर जो है अगेन रिफ्रेश करता हूँ, अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एरर तो नहीं आई इस टाइप में। क्या होता है कि अगर बैकएंड कुछ एरर देगा तो वो इस टाइप में दिख जाती है, और बैकएंड से अगर सक्सेस मैसेज आया तो वो भी यहाँ पर दिखेगा। तो जो भी हमारा सक्सेस मैसेज था, अगर वो यहाँ पर आ जाता तो मीन्स बैबुक आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रही है। तो अभी चेक करते हैं कि आई होप आपकी चलनी चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर अभी टिक का निशान बन चुका है, और यहाँ पर इसने बोला भी है वर्किंग फाइन बैबुक, मीन्स कि हमारा जो पिछली रेस्पॉन्स यहाँ से गया था वर्किंग फाइन बैबुक, तो अभी आपको देख सकते हो कि प्रॉपर देखने को मिल रहा है यहाँ पर वर्किंग फाइन बैबुक, मीन्स कि अभी जो है आपकी सब्सक्रिप्शन प्रॉपर तरीके से, ये जो मेथड था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कॉल हो पा रहा है। वो हमारी मिस्टेक ये हो गई थी, हमने रिक्वेस्ट मिस कर दिया था REQ करने के लिए। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि बैबुक कैसे इंप्लीमेंट करी जा रही है। अभी देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर जो है हम इफ कंडीशंस बनाएंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ, स्विच केसेस बनाए हुए हैं। हालांकि चाहो तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, बट मैं अलग तरीके से यूज करूंगा अपने तरीके से, आप उस तरीके से यूज कर सकते हो या आप अपने तरीके से भी यूज कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू।